नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमने जब सैनिटरी वर्कर्स से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे हुकाम बाला से भी बात करिए। तो चलिए आइए हुकाम बाला से भी बात कर लेते हैं। जमील खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तर्जमान हैं LWMC के। जमील खावर साहब, ये बहुत बुरी बात है क्योंकि ये मुसलमान होने के नाते भी हमारी हदीस भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसके वाजिबात की अदायगी कर दी जाए। इस बात को आप कितना मानते हैं? दूसरा, कितने पैसे लेते हैं, 10,000 या 15,000? अगर आप तो अरबों रुपए की बात छोड़ें, इनको करोड़ों रुपए में काम जो था वो इनके वाजिबात में हो जाता था, अगर ये पहले ही कर देते तो क्या अच्छा ना होता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने हदीस का हवाला किया, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। ये सिर्फ कंट्रैक्टर्स के वर्कर हैं, जो हमारे रेगुलर वर्कर्स हैं, जो उन सबको तो सैलरीज मिल गई। ये सिर्फ कंट्रैक्टर्स के वर्कर हैं जो कि 12% के करीब होंगे, जो कि ड्राइवर्स हैं कंपैक्टर्स वगैरह के, जो कि इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स के वर्कर्स थे। इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स को पिछले 2-3 माह से पेमेंट जो है वो चूँकि फंड रिलीज नहीं हुए थे, उस वजह से उन्हें मिली नहीं। लेकिन अब हमें जुमे को चेक मिल गया था इवनिंग में, जो कि डिपॉजिट करा दिया गया था उसी वक्त, और अब होपफुली आज शाम में या कल सुबह जो है वो अमाउंट LWMC के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी और उसके बाद इनके पास। और वर्कर्स के जी वर्कर्स की तनख्वाह के लिए आज हमने 6 करोड़ रुपया जो है 6 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जो है दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए कि वो वर्कर्स को सैलरी जल्द अज जल्द दें ताकि काम मुतासर ना हो। और उन 2-3 रोज तो लग जाएंगे अभी भी नहीं, अभी आज जो है ना जी, आज शाम में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी या कल सुबह, तो कल सुबह जो है तो इनको सैलरीज मिल जाएंगी। चले ठीक है, कल सुबह तक। लेकिन अभी जो हम सैनिटरी वर्कर्स से बात की है वो 1 घंटे का भी ताखिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमील खावर साहब, फिर वही बात, क्योंकि मैं आपसे बार बार, कल भी मैंने पूछा और आज भी मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर उन पिसे हुए तबके को जिनका जो हमारी सफाई तो करते हैं लेकिन अपने वाजिबात की अदायगी मांगने के लिए उनको एहतजाज करना पड़ता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि हमें वाजिबात की अदायगी जो है वो आज मिल जाए, आज भी नहीं मिल रही है। अब शहर लाहौर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने अभी अपने नाज़रीन को 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट नहीं, मुतादिद पॉइंट्स दिखाए जहां पर इस कदर गंदगी है, इस कदर गंदगी है। अब उसका क्या बनेगा? क्योंकि अगर तो आज इनकी पेमेंट नहीं मिली, इसका मतलब आज तो लाहौर की सफाई नहीं होगी। अगर कल भी नहीं मिली, संभाव कुछ भी हो सकता है, और परसों मिले तो यानी कल भी लाहौर शहर की सफाई नहीं होगी। जी मैं पूरी तरह से पूरी उम्मीद हूँ जी कि कल तक इंशाल्लाह ये सूरत जो है बेहतर होगी, इनको इनके वाजिबात मिल जाएंगे और बकाया जात जितने भी इंटरनेशनल सफाई नहीं होगी। यानी नहीं, सफाई तो हो रही है, सिर्फ वो जो 12% जो वर्कर्स हैं जो कि कंपैक्टर सफाई नहीं, जो कूड़ा जा बजा पड़ा है कंटेनर के बाहर पड़ा है, ये आज तो वैसे ही रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अपना जो अलबरा का हिस्सा है जहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं, हमें जहाँ से ये लिफ्ट होकर लैंडफिल साइड पे जाना है, उनके कंपैक्टर्स ने जो कंपैक्टर्स के ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की हुई है, जिसके बाद जो है ये कूड़ा लिफ्ट नहीं हो पा रहा और आज नहीं होगा। ये जा रहा अलबिराग के हिस्से में आज नहीं होगा, औसपाक कर रही है जी, अलबिराग के हिस्से में आज नहीं होगा। और तकरीबन 120 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, यानी वहाँ पर आज कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। नवीन गावर साहब, इसके अलावा भी क्या मसले हैं अंदर? क्योंकि अब बात जो है वो हुकूमतों के ऊपर आती है। मैंने मुतादिद लोगों से बात की है, मेरा सवाल हुकूमत के ऊपर नहीं था लेकिन लोग कह रहे थे तब्दीली ये रही, ये आ गई तब्दीली। क्योंकि आप एक सियासी वर्कर तो है नहीं, आपसे सवाल बनता, लेकिन फिर भी ये सवाल जो है वो मैं कर रही हूँ क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज दौरे हुकूमत में ज्यादा पर्टिकुलरली और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम किया जाता था सफाई को लेकर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में सब चीज़ें उल्टी हो रही है, रिवर्स में जा रही है। नहीं, हम माजी की हुकूमत में भी और मौजूदा हुकूमत में भी हम अपने 100% दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। आप तो 100% देंगे लेकिन जो हुकूमत या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपके वाजिबात देने वो 100% है ये नहीं, ये मायने जरूर रखता है। उस हवाले से जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप पूछें तो ज्यादा बेहतर है कि डिले किस उसमें नहीं पढ़ना चाहते जी। नहीं, वो हमारी मेरी डोमेन नहीं, भी नहीं मेरी डोमेन नहीं है और आप उसमें ठीक है, उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो मेरी डोमेन नहीं है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप। अच्छा ठीक है, अब वर्कर्स ये भी कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं अलबेराग की खसूस या ओस पाक की, इन दोनों में से ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी एक्सपायर है, किसी के शीशे नहीं चढ़ते हैं और ड्राइवर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं। ये आपको याद होगा, आपके लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 4 साल या 5 साल को होना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी की एक लाइफ है, वो मैक्सिमम 5 साल है, उसके बाद वो फिर तंग करना शुरू कर देती है, उसमें काम आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वो हार्स पावर उस तरह से यानी लिफ्ट करने की सलाहियत नहीं रहती,
तो ये अब कॉन्ट्रैक्ट जो 7 साल के लिए किया गया ये उस वक्त बेसिकली 5 साल के लिए होना चाहिए था ताकि मशीनरी जो है वो अप टू डेट रहती और हर वक्त फील्ड में मौजूद रहती। तो बेस्ट अभी कंपनी जो है दुनिया भर में, क्योंकि अभी तो आप तुर्क कंपनी के साथ जो है वो ठेका है, इसके अलावा बिडिंग होगी पेपर रूल के मुताबिक, जो भी कंपनी उसको विन करेगी आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। लेकिन आपका भी एक एक्सपीरियंस है, जानना ये मैं चाह रही हूँ कि कौन सी कंपनी से दुनिया भर में काम कर रही है, कौन सी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। जी, मैं इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है कि जिस तरह इनको फेज वाइज कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 19 मार्च के बाद से लीगली हम इनसे फेज वाइज वापस जो है वो लेंगे और उसमें हम बिड करेंगे लोकली भी और इंटरनेशनली भी, और जो हमें बेस्ट लोकल कंपनीज हैं। जी, लोकल कंपनीज भी हैं, काफी आ गई हैं, लोकली भी हम जो है इसको एडवर्टाइज करेंगे, इंटरनेशनली भी एडवर्टाइज। सस्ता कौन सा पड़ेगा, इंटरनेशनल या लोकल? जो भी बेस्ट रेट्स आएंगे वो चाहे हमें कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर दे। आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा ख्याल है जी कि ये अभी एडवर्टाइज करेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा और फॉलोइंग पेपर रूल्स होगा, और जो भी उसमें ए बी सी डी ई एफ चाहे वो लोकल है या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमें कम रेट्स देगा हम इंशाल्लाह ये बेड उसको अवार्ड करेंगे। यानी मेरे और ये फैसला हुकूमती लेवल पे होना है, हुकूमती लेवल पे ही इसको जो है वो बेड किया जाएगा, वहीं पर ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको जो है वो अवार्ड भी किया जाएगा। अच्छा, वो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दुनिया भर में और कौन सी ऐसी सफाई कंपनियां हैं जिनकी खिदमत ज्यादातर मुमालिक ले रहे हैं अल-विराक और स्पार्क के अलावा? जी, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन चूंकि हमारे पैनल या हमें जो है अवार्ड जो है पिछली गवर्नमेंट ने अल-विराक और स्पार्क को किया था 7 साल के, नाम नहीं ले सकते सबका दौरे हुकूमत आपके साथ? नहीं, मैं कंपनीज की बात कर रही हूँ कि जो इंटरनेशनली अभी अपनी खिदमत दे रही हैं और वो अच्छी भी हैं। काफी कंपनीज हैं, मुझे अब नाम कौन से ममालिक की हैं उसमें, तुर्की की भी हैं, चाइना की भी हैं, पाकिस्तान की, अब अपनी कंपनीज इतनी माशाल्लाह जो है वो बन चुकी हैं, बेहतर होगा इंशाल्लाह, बेहतर है। चलिए ठीक, जो भी लोएस्ट बिडर होगा, जो लोएस्ट बिडर देगा और बेहतरीन सर्विसेज देगा, और ये भी जो है जेरे बहस है कि लाहौर के 9 टाउन्स हैं, तो 9 टाउन्स को अभी तो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे हैं, तो मे भी ये 6 से 7 कॉन्ट्रैक्टर्स इनको उनको इस तरह से एडवर्टाइज करें, एक कंपटीशन क्रिएट करें कि तमाम लोग जो है अपना इसमें तमाम कंपनीज भरपूर तरीके से अपने अपने टाउन को जो है वो साफ रखें। चले ठीक है, ये इसी तरह ही होगा कि अगर आप 2 कंपनीज हायर करेंगे तो उनको भी जोन में ही डिवाइड किया जाएगा। अभी जो है वो 274 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसमें से 250 के करीब यूनियन काउंसिल्स में से आधी स्पार्क देख रही है, तकरीबन आधी अल-विराक देख रही है। अब हमने जो नेक्स्ट मॉडल है उसमें ये एक सजेशन है, तजवीज़ है, ये हुकूमती सतह पे फैसले होने, लेकिन हमने तजवीज़ दी है कि 9 टाउन है तो कम अज़ कम 6 या 5 कंपनीज हो, या मे बी 9 ज्यादा करें, ज्यादा कंपनीज हो ताकि कंपटीशन हो और ज्यादा अच्छे जो है वो मेयार दिया जाए, लेकिन ये फैसला जो है हुकूमती सतह पे होना है, हमने अपनी तजवीज़ दी। अच्छा, अब ये जो बात है क्योंकि बहुत सारे स्पार्क अल-विराक के सैनिटरी वर्कर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके तवज्जो से सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनका फ्यूचर क्या है, क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन है, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, क्योंकि आप तभी खिदमत लेंगे उसके लिए मैन पावर भी चाहिए होगी। ये अभी भी जो है वर्कर्स जो हैं वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हैं, इनकी सर्विसेज जो है ये डिस्पोजल पे उनके दिए गए हैं, इंशाल्लाह ये आइंदा भी यही वर्कर्स होंगे क्योंकि ये हमारे ट्रेंड और बासलाहियत वर्कर्स हैं और यही काम करेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। ये तो आप लोग मायूस ना हों जो देख रहे हैं और ये कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, हमारी नौकरियों का भी कुछ पता नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जब स्पार्क अल-विराक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, नए तरीके से बिडिंग होगी और नए तरीके से हायरिंग होगी, पेपर रूल्स के मुताबिक हायरिंग होगी, तो मैन पावर भी चाहिए होगी, जिसके लिए आप बेस्ट ट्रेंड वर्कर्स हैं जिनका तजुर्बा भी है, तो ऐसे लोग जिनका तजुर्बा भी है उन्हीं को हायर किया जाता है, ये हर कंपनी का रूल होता है। अच्छा, अब आगे भी बढ़ते हैं हम लोकल कंपनीज के हवाले से, जो मशीनरी है जिस तरह से अल-विराक और अल-विराक और स्पार्क के पास है, लोकली ये मशीनरी बन रही है? लोकल भी बन रही है, इंटरनेशनली भी जो कोई इंपोर्ट करना चाहेगा वो इंपोर्ट करेगा, जैसे इन्होंने जब तुर्कीश कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे अपनी मशीनरी इंपोर्ट की थी, अब लोकल भी बन रही है और इंटरनेशनली भी अगर जो कोई मंगाना चाहेगा वो मंगाएगा, लेकिन हमें बेस्ट सर्विसेज चाहिए होंगी और लोएस्ट रेट्स पे चाहिए, लोएस्ट रेट पे चाहिए होंगी, ये ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बहुत से ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं इनसे कल भी इंटरव्यू लिया गया और आज भी इंटरव्यू लिया गया, मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपका मेडिकल करवाया जाता है, तो नफी में जवाब आया मेडिकल नहीं करवाया जाता। नहीं, इनको बिल्कुल लाहौर में एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है इनके लिए जी, जहाँ इनका फ्री ट्रीटमेंट होता है, वहाँ इनके फ्री टेस्ट वगैरह होते हैं, चेकअप्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हमारा एचआर डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाता है, इनके टेस्ट भी करवाता है स्पेशली हेपेटाइटिस। क्यों कहते हैं कि हमारा जो मेडिकल है वो नहीं करवाया जाता?
मैं कई दफ़ा आपकी टीम भी वहाँ आके कवरेज कर चुकी है, अगर आप अपने बीट रिपोर्टर्स साहिबान से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो आके कवर करते रहे। मैंने तो बीट रिपोर्टर से तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन जो कंसर्न लोग हैं उनसे मैं पूछ के आई हूँ। स्पेशली जब पंजाब असेंबली में बिल भी पास करवाया गया है कि इनके 6 महीने के बाद इनका मेडिकल जरूर करवाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल करवाया जाता है जी, रेगुलर बेसिस पे होता है, और जो ना करवाए तो उन्हें बताया गया कि एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जहाँ पे जाके इनकी फ्री ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, लास्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब शहर लाहौर की सफाई और कूड़ा उठाने का मसला जो है हुकूमतों के ऊपर आ चुका है, और लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज और हुकूमत ज्यादा जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्यादा पर्टिकुलर थी इस मामले में। अब ये आप बता दें, क्योंकि हुकूमतों में भी बात आ गई है, कल भी आपसे मैंने ये सवाल पूछा था आखिर में कि कब तक सफाई का जो कूड़ा उठाने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। अब ये बता दें कि आज से हो जाएगा, कल से हो जाएगा, या पीर से होगा, कब से होगा? जी, मैंने आपको बताया था कि कल इनको अमाउंट मिल जाएगी, इनकी सैलरी इनको मिल जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में आप एक वाज़े तब्दीली देखेंगे। और जो कौन सी वाली तब्दीली? जो 3 दिन से लिफ्ट नहीं हुआ कूड़ा, और 3 दिन बाद आपने देखा कि अगर ये कूड़ा रोजाना की बुनियाद पर लिफ्ट होता था तो आप लोगों को एक साथ... आपकी अपनी तब्दीली होगी, क्योंकि जो तब्दीली के नारे लगा के गए अभी तक उनकी तब्दीली तो आई नहीं, आपकी आ जाएगी? नहीं, सबकी तब्दीली आएगी, और सब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग जो है वो डेडिकेटेड है टू वर्ड अवर वर्क, हम पैशनेट हैं, हम इंशाल्लाह दिलो जान से काम करेंगे। थोड़ी सी फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से एक थोड़ा सा ये जो है वो डेडलॉक आया था, जो इंशाल्लाह दूर हो। अभी आपने मुझे डेट नहीं बताई, कौन सी डेट को? इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप देखेंगे। दो से चार दिनों में आप वाज़े सूरत हाल दो से चार दिनों में होगी। खावर जमील साहब, आपका बेहद शुक्रिया, तर्जुमान LWMC हमारे साथ थे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, और अभी खावर साहब की ज़बानी आपने सुना है कि अभी भी लगेगा, टाइम लगेगा, 2 से 4 रोज लगेंगे। तो जो कूड़ा है वो कूड़ेदान के करीब करीब फेंकिए, क्योंकि कूड़ेदान के अंदर तो जगह है नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपना हिस्सा, अपने फराइज असलूब तरीके से आप सर अंजाम दें, और बाकी का जो फ़र्ज़ है वो इदारे जो हैं वो निभाएं या ना निभाएं, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। मैं और आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। और जहां तक बात रही कि इन कंपनियों के काम करने की, उसके लिए हम आपको टॉप स्टोरी में भी आगाह करते रहेंगे और अपने चैनल पे भी आगाह करते रहेंगे। आज की टॉप स्टोरी से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।